वालेकुम। क्लास एट्थ सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हमने चैप्टर लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था। आई होप डैट कि आपने याद कर लिया होगा। राइबोसोम्स जो है वो सेल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी ये शेप इसकी ऐसी होती है, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ग्रेन्स लाइक होते हैं, यानी ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी लोकेशन की बात की जाए, या तो ये साइटोप्लाज्म जो सेल का फ्लूइड होता है उसमें आज़ादाना घूम फिर रहे होते हैं, ठीक है, यानी फ्रीली मूविंग फॉर्म में होते हैं, या फिर ये सेल में एक और ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ अटैच होते हैं, यानी दोनों वे में इनकी लोकेशन होती है। और राइबोसोम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इन अ सेल, क्योंकि जो भी मैसेज डीएनए से यानी न्यूक्लियस से जो आपका राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में मैसेज आता है, राइबोसोम्स उस मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं इनटू रिक्वायर्ड प्रोटीन और आपकी बॉडी को प्रोटीन जो है वो बना कर देते हैं। डेफिनेशन यहाँ से आप रीड कर लें। Tiny granular structures that are either floating freely in cytoplasm or bound to endoplasmic reticulum ER, it is made of protein and ribosomal RNA. इसकी कंपोजिशन भी बता दी गई है, ठीक है, कि राइबोसोम्स किन से मिलकर बने हैं, वो खुद भी प्रोटीन और राइबोसोमल RNA से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है ये आपके लिए एक नई टर्म है। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें हर एक स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में और प्रॉपर फॉर्म में मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि सिंपलर सेल होते हैं, यानी जिनमें न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन डीएनए फ्लोटिंग फॉर्म में मौजूद होता है। यहाँ आपको बताया गया है कि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो यूनिट्स पर जो है वो कंसिस्ट करते हैं। यहाँ आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी दी गई है, राइबोसोम सब यूनिट्स, ठीक है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर ऑलमोस्ट 60 सब यूनिट का होता है और जो स्मॉलर है वो 40 सब यूनिट का होता है। ऊपर आपके टेक्स्ट में इसका फंक्शन भी बता दिया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट दे आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, नेक्स्ट हम अपनी ऑर्गेनेली की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ नेम्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल की एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस भी सेल का कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये इस वे में है जैसे एक जूते की शेप होती है, शू शेप भी इसको बोला जाता है, ठीक है, एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूसिंग डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली। जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है और आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, यानी उनमें कोई भी बल्जेस या कोई भी जो है वो बल्कनेस नहीं होती है। जब आप इनर मेम्ब्रेन को देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत से फोल्ड नज़र आ रहे हैं। इन फोल्ड्स को बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है, CRISTAE, क्रिस्टी। और इसके अंदर, इन क्रिस्टी के अंदर जो आपको फ्लूइड ये जो लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब हम यहाँ से इसका स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बट इनर मेम्ब्रेन हैव इन फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी, जिसको सिंगुलर अगर एक फोल्ड को हम कहें तो वो क्रिस्टा कहा जाएगा उसको। इनसाइड दीज इन फोल्डिंग्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही इसका फंक्शन पढ़ लिया है कि क्या होता है इसका फंक्शन, ये सेल का सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस। यहाँ से रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और रेस्पायर करता है, ठीक है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द बॉडी, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये वो जगह है जहाँ पर सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इट इज़ अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड गिव्स ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी टू द सेल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है।
नेक्स्ट आपके साथ मैंने दो डायग्राम शो किए हैं, राइबोसोम्स की और माइटोकॉन्ड्रिया की। ये पहली है राइबोसोम्स की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है वो होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं और कैसे वो बाद में मिलकर जो है वो पूरा एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना देते हैं। इन्हीं के दरमियान, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के दरमियान ही जब राइबोसोमल आरएनए जो कि न्यूक्लियस से आता है वो गुजरता है, तो राइबोसोम जो है वो इसको डीकोड, उस मैसेज जो राइबोसोमल आरएनए के फॉर्म में मैसेज है उसको डीकोड कर देते हैं इनटू प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट आपके साथ मैंने शेयर किया है माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम, ठीक है। ये काफ़ी क्लोज्ड पिक्चर है जिसमें आपको काफ़ी क्लियर हो रही है इनर मेम्ब्रेन जो कि इन फोल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इट इज़ अ शू, जैसे शू का सोल होता है वैसा एक स्ट्रक्चर है। इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो फोल्ड्स हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं और उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। होमवर्क क्लास आपका अगेन वही है कि आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेना है, लिख लेना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इनकी डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपका टॉपिक ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है और आप फुल मार्क्स गेन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आपने लाजमी डायग्राम को अच्छे से अपने टेक्स्ट के साथ याद करते हुए प्रैक्टिस कर लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।